Prakash Bhatnagar. Hi. Bhushan sir, I wanted to ask you, you are working with Karthik in Pati Patni Avo, then in Bhool Bhulaiya 2. So how is it working with Karthik that you have cast him again in one of your movies? That's why he's working again and again. Sonu ke Titu ki sweetie bhi. Sonu ke Sweetie. Sir, itna kyun kaam kar rahe ho sir mere saath? Tum chal rahe ho na aajkal isliye kar rahe ho. Chhakka maar diya sir, out of bag. He's a brilliant actor yes. And जिस तरीके की इस पिक्चर में किरदार चाहिए था एंड आई थिंक कार्तिक उस पति के किरदार में बहुत अच्छा सूट किया है इसलिए भी कीप ऑन एंड भूल भुलैया इज आल्सो वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं पति पत्नी और यो द क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट्स एनीबॉडी कैन आस्क क्वेश्चंस थैंक यू सो मच सर थैंक यू नजीम भाई माइक ले लीजिए अरे आवाज आ रही है अच्छा ट्रेलर बहुत इम्प्रेसिव है हम सबको बहुत पसंद आया और वो आपका एक अंदाज जो रहता है जो लुभाता है बहुत अच्छा लगा क्या कार्तिक आपका क्या रिएक्शन था जब आपको इस तरह की फिल्म ऑफर करी गई व्हाट वाज योर रिएक्शन क्या किरदार क्योंकि मैं मुद्दसर की अगर बात करूं बहुत कामयाब फिल्में दी हैं हैप्पी भाग जाएगी फिर हैप्पी भाग जाएगी जी सर अब मुझे लगता है इसका भी शायद सिक्वल बना दें ट्रेलर इज लुक सो इम्प्रेसिव तो व्हाट वाज व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ की हाउ यू केम ऑन बोर्ड सर मैं तो झपट के मतलब मैं स्क्रिप्ट जब जिस दिन मैंने सुनी और मैं उसी टाइम ये था कि पति पत्नी और वो का जब मेरे को सुनने में आया था कि ये फिल्म ऐसी बन रही है तभी डिसाइड हो गया था दिमाग में कि ये फिल्म 100% करनी है एंड एंड ऑफ कोर्स मतलब जैसे मुदस्सर सर हैं ये इन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म में मेहनत की है और जिस तरीके से ये फिल्म बनाई है आप देख ही रहे हैं ट्रेलर में वो कितना मतलब आपको एक एक जोक पे हंसी आ रही है एंड वी वर गैदरिंग योर रिएक्शंस आल्सो तो सब बहुत सिचुएशनल एक कॉमेडी है एंड एंड एक हमेशा से जो भी मैंने भी जो फिल्में जो आप बोल रहे थे उससे पहले किए हैं वो हमेशा सिचुएशन पे खेली हुई फिल्म्स होती हैं एंड विच रिलेट्स मतलब वो सब रिलेटेबिलिटी फैक्टर एक रहता है तो कहीं ना कहीं मतलब एक ये पति पत्नी और वो का टॉपिक भी बहुत रिलेटेबिलिटी है उसमें एंड तो जिस टाइम मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी और इसका आइडिया ही जब मेरे को पता लगा सो आई जस्ट जंप्ड ऑन एंड आई जस्ट यू नो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में वो कौन है भूमि 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 से पूछ रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ कार्तिक सर मेरी लाइफ में वो कौन है पहले पत्नी कौन है सर पत्नी तो आपके किस्मत बाद में आएगी वो कौन है जब वो पहले आएगी वो पहले आएगा ना सर बहुत सारी हैं बहुत सारी है ना तुम्हारे भूषण सर कह रहे हैं बहुत सारी है सर भूषण जी सर क्यों माइक लगा सर नहीं मेरी लाइफ में कोई वो नहीं है सर चिंटू त्यागी की लाइफ में वो है अनन्या एंड पत्नी है भूमि और मेरी रियल लाइफ में कोई वो नहीं है सर भूमि और पत्नी भी नहीं है सर हो जाएगी यार अनन्या और भूमि आप दोनों से जानना चाहूंगा दोनों बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं भूमि आपको भी कहना चाहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अनन्या यू लुकिंग हॉट सुपर हॉट इन द ट्रेलर यू नो आप भी हॉटनेस कहीं पे भी कम नहीं है बीवी वो पत्नी होने के बावजूद थैंक यू क्या कहना चाहेंगे और ये जो कास्टिंग है वो लगता है कि कमाल की कास्टिंग है अनन्या भूमि क्या कहना चाहेंगे आप और किरदारों के बारे में किरदार को लेके क्या ब्रीफ था मेरी भी कास्टिंग अच्छी बोल दो ना सर यकीनन यार आप तो हैं ही कार्तिक को ही जरूरत है आपको कहने की साथ आके फिल्म पे चार चांद लगा दिए है ना हाँ नन्या आई थिंक जब पहली बार मैंने मुझे पता चला कि जूनो जब मेरे पास पति पत्नी और वो लाया था बहुत ही मज़ेदार स्क्रिप्ट थी आई थिंक जो पुरानी फिल्म है वो ऑलरेडी एक कल्ट क्लासिक है और उसके ऊपर एक मॉडर्न टेक है उस फिल्म पे और जब मुझे पता चला अनन्या कार्तिक है फिल्म में आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक बहुत ही फ्रेश कास्टिंग है बहुत ही डिफरेंट है इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बहुत बहुत बढ़िया हैं एंड आई थिंक हम तीनों की केमिस्ट्री इन आर ओन वे इज़ वेरी क्रैकिंग मुदस्सर सर हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि अब तक मैं बड़े पर्दे पर ऐसी दिखी नहीं हूँ तो मेरे लिए बहुत ही आई वॉज वेरी एक्साइटेड मैंने कहा ओके न्यू अवतार और मैंने बहुत सी फर्स्ट चीज़ें की है इस फिल्म में थोड़ी बहुत झलकी आपने देखी जैसा ये साल रहा है मेरा उसके लिए आई थिंक जो कल्मिनेशन है पति पत्नी और वो जो वेदिका त्रिपाठी का किरदार है
इट्स द बेस्ट वे आई कुड हैव एंडेड माय ईयर. एंड बहुत ही फन फिल्ड फिल्म है, बहुत ही सेंसिबल फिल्म है एट द सेम टाइम, बहुत ही एम्पावरिंग फिल्म है टू बोथ द जेंडर्स. और आप बस हंसते खेलते इसको एक्सपीरियंस करते हैं, फैंटास्टिक गाने हैं एंड वी हैव जस्ट हैड अ ब्लास्ट. भूषण जी, हाय, दिस सोहेल. भूषण जी, पति पत्नी और वो एन आइकॉनिक फिल्म एक्चुअली, और गाना भी था ठंडे ठंडे पानी से, तो ये गाना रहेगा या फिर अगर नहीं रखा है तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? लाइक मतलब क्या इस गाने के बारे में बताएंगे आपको? नहीं रखा है. It's not in the film, it's an adaptation, but ye gungun aata rehta hai. But like I said, the film is actually an adaptation and it's just our voice, our this thing. So it's actually very different and we hope. I'm good. Producers ko bitha de. Okay, sit. Nahi, nahi, I don't. Arey, why is this? Hello. Acha, okay, aa ja, idhar. Sorry. And like I said, it's an adaptation of my granddad's film and we've tried to give our own voice to it. So I hope you all like it and aap fir aage se bataiye kaise lagi. My question is to Karthik also. Karthik, hi. Yo. Sir, yeah, sir. आपने पहली फिल्म देखी थी जो संजीव कुमार जी की थी, या फिर कभी जहन में आप शायद अगर देखी हो तो, या नहीं देखी थी तो ये फिल्म के बाद आपने सोचा था कि यू विल बी वॉचिंग दैट फिल्म? एंड सर, मैंने बहुत पहले देखी थी वो फिल्म. एंड अगेन, मतलब माय मॉम डैड, दे हैव बीन अ फैन ऑफ, यू नो, पति पत्नी और वो, और वो पूरी एक जनरेशन इस कल्ट क्लासिक फिल्म के एक फैन रहे हैं. मैंने जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तब उसके बाद ये एक डिसीजन लिया था कि मैं नहीं देखता हूँ ये फिल्म, बिकॉज इरिस्पेक्टिव वो, मतलब मैं अपने एक तरीके से काम करना चाहता था इस फिल्म में, और एक नयापन अगर इस फिल्म में ला रहे थे और एक मॉडर्न टेक जिस फिल्म में लेकर आ रहे थे, तो उसमें अगर मैं वो चीज़ देखता तो वो गलती से भी मेरे सबकॉन्शियस लेवल से भी वो चीज़ ना हो, तो वो चीज़ ट्राई की है इसमें. तो आई डेंट वॉच इट अगेन, बट मैंने बहुत पहले, शायद से सालों पहले फिल्म देखी थी शायद टीवी पे. That's about it. But it's a big, big opportunity. मतलब संजीव साहब वो लेजेंडरी रहे हमेशा से. And this whole film, पति पत्नी और वो, इसका टाइटल ही इतना स्ट्रॉन्ग टाइटल है कि ऑटोमेटिकली आपको पूरी फिल्म भी कहीं ना कहीं दिखती है. सेम थिंग फॉर भूमि ऑल्सो, लाइक आई थिंक विद्या सिन्हा जी वॉज देयर एंड वो, आई डोंट रिमेम्बर वो कौन था. हाँ, रंजीता जी. हाँ, if you, same question I'm asking you all. Yeah, again, I'd seen it like years ago. Lekin jab mere paas Juno film laya tab maine socha maybe I should watch it, but then maine nahi dekhi because jaise Karthik ne kaha ki ek new age take hai on the old film. जो ये टाइप की रिलेशनशिप होती है उसका एक मॉडर्न वर्जन है. सो आई डेंट रियली फील द नेसेसिटी टू गो वॉच इट, यू नो, बट इट्स अ कल्ट क्लासिक एंड दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स एंड आई रियली होप जितना मज़ा तब लोगों को पति पत्नी और वो देखकर आया था, अब और भी ज़्यादा मज़ा आए क्योंकि हमने तो बहुत मज़े किए फिल्म में. अच्छा, मुदस्सर जी से एक सवाल है इस साइड. मैंने सर, हाँ, सवाल खत्म हो जाए. मैंने एक्चुअली पिक्चर साइन करने के बाद देखी थी क्योंकि मुझे हिंदी पिक्चरें देखने में बहुत मज़ा आता है और मुझे वो गाना आदम और हवा दोनों वो बहुत पसंद है. तो हाँ, ग्लैमरस, आई थिंक हमारे फिल्म में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर है. और हाँ, मुझे बहुत फ़नी लगी, पर आई थिंक हमारी फिल्म मॉडर्न वर्जन है, आज और ज़्यादा रिलेट करेंगे लोग. हाँ, तो पर मुझे ओरिजिनल भी बहुत पसंद थी. हेलो. अच्छा मुदस्सर जी, मैं सवाल ये था कि पुरानी फिल्म तो सभी ने देखी, क्लासिक फिल्म. जी जी. जब इसका रिमेक बन रहा है तो डेफिनेटली कुछ चेंजिंग तो आपने किए होंगे, तो या फ्रेम टू फ्रेम है? जी, मैं इत्तेफाक से, इन्होंने वो सवाल मेरी तरफ डायरेक्ट नहीं किया, वरना उसके जवाब में मैं ये कहता कि मैंने वो फिल्म 100 मरतबा देखी है कम से कम. तो उसका दरअसल रीज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग ये था कि जब BR साहब वो फिल्म बना रहे थे 1978 में, he was making a very bold film for 1978. हम सब ये बात जानते हैं कि फिर दौरे ज़मा बदला है, दशक पे दशक लोगों के सोचने के तरीके बदले हैं. तो वो बोल्ड फिल्म जो सन 78 के लिए बोल्ड मानी जाती थी, वो शायद 2019 में हमको उसको विथ अ सर्टन पास्ट इन माइंड देखना पड़ता. तो 2019 के लिए अगर आपको एक बोल्ड फिल्म बनानी थी, और 2019 में अगर आपको पति पत्नी और वो के रिश्ते को अगर एक सॉर्ट ऑफ कल्मिनेशन और एक कंप्लीशन देना था टू व्यू फ्रॉम द आउटसाइड, तो जाहिर था कि उसको एक नए सिरे से लिखना पड़ता.
तो ये कोशिश मेरी रही है कि मैं उस एसेंस को जो जो बी आर साहब ने उस फिल्म में कहने की कोशिश की थी उस एसेंस को बरकरार रखूं, लेकिन आज के दौर के हिसाब से उसमें कुछ एक ऐसी बातें कहूं जो आज रेलेवेंट हैं और रेलेवेंट हो गई हैं हम सब के बीच. माय क्वेश्चन इज फॉर जूनो. जूनो हियर ऑन योर राइट जूनो राइट. वो जूनो ये फिल्म की कास्टिंग को लेके भी काफी बैक एंड फोर्थ हुआ था, यू नो लॉट ऑफ न्यूज़ एंड हैपेंड. कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट हाउ द कास्ट फाइनली केम अराउंड एंड तापसी वाज आल्सो सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म इनिशियली बट शी हैड वॉक्ड आउट और समथिंग. सो कैन यू गिव अस सम. ये सवाल आई थिंक आपने ही पूछा था ना सांड की आग के टेलोलॉजी. नहीं नहीं, आई एम आस्किंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, मैंने कहा दिस इज कांस्टेंटली आस्क्ड. Always when I saw the film, I saw Karthik, Bhumi and Ananya, and I promise you this, they don't know that I took very long to convince them, and they know that including Bhumi, including Ananya was actually the easiest one. Yeah, he was easily convinced. But, yeah. And for me, when I heard the script and when we worked on the script, these are the only people I saw, and they were always my first choice, and I'm just very, very happy, and I've just enjoyed working with them. The three of them have been just, exhilarating. It's been such a fun Wonderful. Ride. And yeah, see, everyone's laughing because they give me a lot of stress also. You think he looks like a stressful producer? Please say, does he? Kaha hai, handsome. Baal dekho kitne acche bana ke aaye. Aapko lagta hai aise koi stress hai? ये दिस इज द शॉक लुक एक्चुअली. तो मतलब इतनी बच गई है कि अभी बाल भी खड़े होने लग गए हैं. हेलो हाय, आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम भूमि. इन 3 मंथ्स यू आर शोइंग अस 3 डिफरेंट साइज ऑफ योर सेल्फ. पीपल एक्सेप्टेड यू सो मच फॉर सांड की आग. नाउ यू आर डूइंग अ डिफरेंट रोल इन बाला एंड देन पति पत्नी. वो इज एक्सट्रीमली डिफरेंट. सो हाउ डू यू मैनेज टू डू दिस? हाउ इज डिफिकल्ट इज इट टू गेट इन टू द स्किन ऑफ ईच कैरेक्टर एवरी टाइम? It is difficult because the earlier two films are extremely different. It's just difficult every time, even for Pati Patni or Wo, because as I said even earlier, I've not seen myself like this on the big screen. You know, in my head and in my real life, I'm always like this. But the audience has not seen me like this. So it was very exciting for me to play Vedika because I was like, okay, a new avatar, and a lot of work goes into it, and it's not my work alone. There's an entire team that works behind creating a character. Where Vedika specifically is concerned, I remember having like long conversations with Juno, Mudassar sir, all of us actually. We would sit and we would talk about what every character's attributes are, you know, what is she. So for me, she is somebody who's always full of oomph, you know. She knows who she is. She's a very confident girl. She knows she has a certain effect on the opposite gender, and she's just strong, you know. Ananya, one question. Your first film was also a love triangle. Here also, it's a love triangle. So what does that connect with you? I just think I attract love triangles. Everywhere I go, there's a love triangle. So I don't know, yeah, what to do. Mera sawal Kartik se hai. Kartik, tumhara chehra bahut masoomiyat bhara hai. लेकिन रोल तुमको सारे नॉटी नॉटी वाले मिलते हैं. नॉटी नॉटी बॉय ही. तो इस मासूमियत के साथ ये जो नॉटीनेस है उसको कैसे ब्लेंड करते हो? मतलब मैम, वो रोल में को नॉटी मिलता है, शक्ल मासूम है, तो ब्लेंड अपने आप हो जाता है. तो कुछ भी मैम अंदर से नॉटी है ना, लेकिन तो आसानी से कर लेते. मैं बोलना नहीं चाह रहा था. वो बाहर हाँ मुदस्सर सर लेकर आए हैं स्क्रीन पे सर. बट मैम, बट मतलब वो एक्चुअली में अगर वो किरदार कुछ कर रहा है तो वो आप जैसे फिल्म भी जब देखेंगे तो हमेशा वो कुछ सही ही कर रहा होता है. वो गलत मतलब ऐसा नज़र ऐसा आता है कि वो गलत कर रहा है. चाहे इससे पहले की भी फिल्में मैं बात करूँ, चाहे लुक्का छुपी हो, चाहे सोनू के टीटू की स्वीटी हो, वो अपना इंटेंशन, उसका करेक्ट इंटेंशन हमेशा से रहा है उस कैरेक्टर का. अब वो थोड़ी सी नॉटीनेस हमें हमेशा पसंद आती है जो ट्रैक पे वो जानते हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए. तो वो एक चीज़ है जो हमेशा कई बार आपके किरदारों में होती है, एंड वो कभी कभी उसमें मज़ा भी आता है, फनी भी लगता है. तो पति पत्नी और वो में भी ऐसे ही है. मुदस्सर जी, ये सवाल किसी ने आपसे पूछा नहीं, इसके अलावा भी पति पत्नी और वो के अलावा भी बीच में एक फिल्म आई थी रंग बिरंगी, जिसमें जो
वाइफ का किरदार परवीन बॉबी ने निभाया था वो काफी प्रोग्रेसिव था, जैसे आपकी आपकी जो पत्नी है उसने काफी बोल्ड बिल्कुल जो ट्रेलर में कहा कि सेक्स पसंद है तो वो भी काफी बिल्कुल बिल्कुल तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में आपकी जो आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने डिफरेंट मतलब मैं आपको आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू कॉम्प्लीमेंट यू आपने माशाल्लाह इतना अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि देखिए रंग बिरंगी क्योंकि आपने देखी है तो आपको याद होगा उस फिल्म का लास्ट डायलॉग जो है वो है उत्पल दत्त घंटी बजा करके कहते हैं बी आर चोपड़ा को पकड़ के लाओ दैट्स द लास्ट डायलॉग ऑफ द फिल्म रंग बिरंगी वॉज ऋषिदास वे ऑफ कमेंटिंग ऑन द आइडिया ऑफ पति पत्नी और वो सी दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैम ये अच्छा पति पत्नी और वो में वो का जेंडर भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता ना इस बात की कोई जो है बंदिश होती है कि वो कोई शख्स हो वो एक गैप हो सकता है वो एक नॉन कम्युनिकेशन हो सकता है कई सारी चीज़ें होती हैं तो फिल्म मेकर्स को हमेशा ये टॉपिक जो है अट्रैक्ट करता आया है तो जब जूनो मेरे पास आए थे और जाहिर है कि मतलब उन्होंने भी इसके ऊपर खूब विचार किया होगा जब मेरे पास आए थे जब उन्होंने अपने ही नेगेटिव्स में से इस फिल्म को चुना कि यार पति पत्नी और वो को रिक्रिएट करते हैं लेट्स सी व्हाट योर टेक इज ऑन दिस और आप यकीन कीजिए मैं रंग बिरंगी का उतना ही बड़ा फ़ैन हूँ जितना पति पत्नी और वो का हूँ तो आप जब ये फिल्म देखिएगा तो आपको दोनों अंश जो हैं इसमें मिलते रहेंगे इस फिल्म में आई हैव टेकन द कॉमिक पिंच ऑन द आइडिया ऑफ एडल्ट्री एज मच एज आई हैव you know tried to invoke the issue of adultery thank you so much kartik here jee hi acha shaadi family kisi tarah ki film par aapne zyada aisa kuch nahi hai zindagi mein mujhe aisa lagta hai zindagi mein jis cheez ki khalish reh jati hai shayad insaan usko screen pe pura karne ki koshish karta hai to meri apni nahi chali to main sochta hu ki screen pe kisi ki to shaadi chal jaye यार सर 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 जिनके पास माइक है उनको उनको सवाल कार्तिक फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू एंड द टीम बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेलर इट्स अ बिग चैलेंज टू रिक्रिएट सच अ क्लासिक मेरा सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं हमें वो ग्लिम्स दिखता है जैसे एक मोनोलॉग जो आपका फेवरेट जो रहा है मतलब आपके साथ ट्रेडमार्क कहीं ना कहीं इसमें भी ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई मोनोलॉग वाला सीन है जैसे वो अपार शक्ति वाला देखा था इज इट ट्रू कोई ऐसा मोनोलॉग वाला सीन है पहली बात दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वो तो आप जब पिक्चर देखेंगे तब आपको ज्यादा बता पाएंगे बस कुछ ही दिनों में रिलीज भी हो जाएगी अभी छोटा सा एक्टिविटी हमारा बट ये हाँ ये एक चीज़ हमेशा रही है कि चाहे वो पंचनामा में लास्ट मोनोलॉग किया था मैंने पंचनामा 2 में उसके बाद से मतलब जो भी फिल्म आई सोनू के वक्त भी ये मेरे से बहुत पूछा गया था क्योंकि हमारी सेम टीम थी पूरी भूषण जी को चाहिए भी था मोनोलॉग शायद सोनू के बट इट डिड नंबर्स एंड वी वर रियली हैप्पी एंड सोनू के बाद इनफैक्ट लुक्का के जब हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे आए थे तब भी मुझसे पूछा गया था कि ये मोनोलॉग होगा इसमें कि नहीं तो वो मोनोलॉग का एक हमेशा रहा है कि किसी ना किसी फिल्म में आएगा बट इट्स मोर टू डू रैदर देन मी इट्स मोर टू डू विद द फ्रेंचाइज विद द फिल्म एंड एंड लव रंजन सर तो वो उनका ज़्यादा वो है लेकिन इस फिल्म में है कि नहीं वो आप एक अलग तरीके से भी शायद है कि नहीं वो आप देखेंगे जब फिल्म आएगी भूमि मेरा सवाल आपसे पहली बार कांग्रेचुलेशंस फॉर सांडकिया थैंक यू सो जिस तरीके से सांडकिया को एक्सेप्टेंस मिली है इट वाज स्लो बट स्टेडिली इट ग्रू एंड यू नो इट वाज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट इसी बात पे अगर कार्तिक और अन्य आप भी कह सके बिकॉज एट द एंड कॉन्टेंट इज द किंग एंड अगेन हेंस इट्स प्रूव अगेन वेल फॉर स्टार्टर्स थैंक यू मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मेरी ऑडियंस को बहुत सारा प्यार सांडकिया एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है और जिस तरीके का ग्रोथ फिल्म ने डे बाय डे दिखा रही है इट्स ओनली गेटिंग बेटर आई थिंक बहुत ही एनकरेजिंग है एंड फॉर मी एज एन एक्टर मुझे और मोटिवेट करता है कि हम मैं और तापसी दोनों कि हम ऐसे चैलेंजिंग रोल्स एक्सेप्ट करें ऐसी मुश्किल फिल्मों को एक्सेप्ट करें जो एक तरीके का स्टीरियोटाइप ब्रेक करती हैं and I'm just happy yeah I just want to say thank you it just feels so good thank you so much ji ji sawal kya tha simran content is king correct 100% matlab wo hamesha se raha hai and wahi cheez matlab wo ek relatability factor ya fir content ya fir फिक्शन ही क्यों ना हो लेकिन जब तक आप पे वो कंटेंट नहीं है एक्सेप्टेंस नहीं आती है
एंड इनफैक्ट वो कॉन्टेंट में ही एक मजा आता है विच इज इनफैक्ट विद पति पत्नी और वो और बीट विद सांड की आग ऑल्सो आई मीन मेरे को सांड की आग भी खूब अच्छी लगी थी एंड एंड वहीं पे वहाँ पे भी एक कॉन्टेंट की बात थी तो विद आर फिल्म ऑल्सो पति पत्नी और वो इट्स 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 समथिंग वो ट्रेलर पसंद इसलिए ट्रेलर पसंद आया ना आपको तो वो पसंद ही इसलिए आया क्योंकि कॉन्टेंट उसमें पूरा झलक रहा है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा एंड एंड एक चीज़ और मैं मतलब ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ इस पूरी चीज़ में ये कॉन्टेंट क्रिएशन में जो पूरी टीम यहाँ पे बैठी है मुदस्सर सर जूनो एंड भूषण सर मतलब दे हैव बीन रियली एट इट एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब ये ट्रेलर और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं इनकी वजह से भूषण सर जिस तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं यंग डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स उन पे बिलीव दिखा रहे हैं हैट्स ऑफ टू हिम एंड जूनो के लिए भी बोलना चाहूँगा कि इनको एक टैग इसमें क्रिएटिव प्रोड्यूसर का दिया गया है और वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है काफ़ी लोगों के लिए कि ना वो प्रोड्यूसर हुए ना वो डायरेक्शन हुए लेकिन आई मस्ट टेल दिस कि से दिस कि ये जूनो ने बहुत मेहनत की इस फिल्म में फ्रॉम डे वन मतलब फ्रॉम कास्टिंग टू फ्रॉम टू मतलब फ्रॉम एवरीथिंग टू बनने के प्रोसेस से लेकर अभी आपके सामने तक इनका पैशन जो है जूनो का जुन्नू का वो ही यहाँ पे चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ जो आ रही हैं वो काफ़ी हद तक मतलब एक बहुत कम लोगों में ऐसा कन्विक्शन और पैशन है जो जूनो में सो अगेन मैं वो क्रेडिट देना चाहूँगा इनको सर आप ताली बजा रहे हैं आपकी भी तारीफ करना चाहिए क्योंकि ही इज़ बीन द यू नो कैप्टन ऑफ द शिप जिन्होंने एक्चुअली ये चीज़ पति पत्नी और वो पूरी तरीके से इन्होंने बनाई है और हम सब एक्टर्स को एक साथ डायरेक्ट किया इतना प्रोसेस में जो एक मज़ा आता है वो प्रोसेस में मतलब अब अगर डायरेक्टर उस प्रोसेस में मज़ा लेके आपसे काम ना करवाए तो आपको भी वो एक एक फील आती है एक जो वाइब है और जिस तरीके की फिल्म दिख रही है आपको वो इट्स इट्स बिकॉज ऑफ हिम एंड रियली वो यू नो जस्ट जस्ट हैट्स ऑफ टू यू थैंक यू ऑल राइट विल टेक लास्ट क्वेश्चन हेलो ये मोनोलॉग था सिमरन Hi, this is Priyanka from Indian Express. My question is to Mudassar. Mudassar, you rightly said that how present gaze is so important while looking at a classic and, you know, while remaking it. So did you have also, were you very conscious of it not being sexist? Because this whole concept can become that, you know. And so for you that, and also for Bhumi, were you a little skeptical before signing the film? Or did you have those concerns that the film should be extremely empowering and... not sexist at all? Bhumi first, then me. I think, you know what, see, when I read the script, every doubt that I had was flushed out. As I said earlier, this is a film that is a lot of fun, you know, there are a lot of, it's a situational comedy, but at the same time, it's not frivolous. I said this earlier as well, it's very empowering to both the genders. There's nobody who's black or white in life as well. And I think the makers have really been very conscious to make sure that they do not turn this into a sexist, baseless film. This is not that at all. You know, I think any of us, everybody who's a part of the film, Bhushan sir, Juno, Mudassar sir, the three of us, I don't think we belong to that school. And I think we've been, especially the makers, they've been extremely conscious of the fact that it does not turn into a sexist comment. So the moment I read it, I was like, this is beautiful. And that's what excited me the most about this film, that this can go wrong so easily. But they've been so sensitive and they've been so careful. And it's a very big achievement, like a really big achievement. And I must congratulate them. Well, you know, I'll sum it up for you in a few words. It's very simple. I've always put women at the forefront of the films I've made. You know, this one is no different. You'll realize that he is the situation and they drive the situation home. Yeah. So it was very important, and I'm glad you asked this question. It was very important to look at Pati Patni or Wo the way it's come out now, you know. So thank you very much for asking that question. Thank you so much, ladies and gentlemen. Ek cheez aur bolna chahunga, is film mein hum log ke alawa, matlab ek bahut badi कास्ट है जो आप ट्रेलर में भी देख रहे हैं जिस तरीके से सब लोगों ने इसमें परफॉर्म किया है मतलब मेरी दोस्ती आपको अपार के साथ आपने देखी है लुक्का छुप्पी में
और ही इज अ वंडरफुल एक्टर. हमारे साथ आज नहीं है, सॉरी हमारे साथ आज यही है. जोरदार तालियां फॉर अबार शिखर खुराना साहब. एक बार बुलाना चाहूंगा. ही इज बीन अमेजिंग. यू हैव टू वॉच द फिल्म. जिस तरीके से ये दोस्ती आपको दिखेगी इस फिल्म में, वो अलग तरीके की, मतलब एक एक हर चीज़ में जिसके पास मैं जाता हूँ इस फिल्म में वो ये हैं. एंड रिजवी साहब, दूसरी बात ये है कि मैं दूसरी कास्ट भी, मतलब यहाँ पे नहीं है कोई भी, मनु ऋषि सर या मैम है, मैम नवनीत मैम, प्लीज़ स्टेज पे आप भी आइए. एंड तो ये पूरी बहुत बड़ी एक कास्ट है जो आप जब फिल्म रिलीज़ होगी तब आप देखेंगे. एंड दे ऑल डन अ वंडरफुल जॉब. And we're thankful कि हम लोग सब साथ में एक साथ आ पाए. Ladies and gentlemen, give it up for Navani ma'am. Also inviting on stage the producer of this movie, Mrs. Renu Ravi Chopra. Co-producer, none of this would have happened without her. Vinod Bhanushali. ये jeans जो आए हैं जूनों में वो यहाँ से. Senior VP Films of TCV. मिलते हैं उनसे. पहनी हुई हैं वही आई हैं मेरी से. बट आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यूर. इट्स अ क्लासिक टेल दैट वी हैव ट्राइड टू री इमेजिन एंड दिस यंग टीम हैज ट्राइड वेरी हार्ड टू वर्क टू मेक अ गुड डू अ गुड जॉब ऑफ इट. एंड आई होप दे कैन लिव अप टू द लेगेसी दे हैव इनहेरिटेड. थैंक यू. सो स्वीट. थैंक यू. लवली. सीनियर वीपी फिल्म्स ऑफ टी सीरीज मिस्टर शिव चन्ना एंड ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस मूवी अनिल थडानी. कैन आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू जॉइन ऑन स्टेज.